ये आजकल टीवियों पर भी बहुत सारे ऐड आते हैं जो आप इस दवाई को खाइए और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट ना बढ़ के एक पैर ही बढ़ जाता है या फिर एक हाथ ही बढ़ जाता है, ऐसा कुछ उनके साथ समस्याएं हो जाती है। तो वो कितना रिस्की है अगर जो कोई टीवी से या फिर ऑनलाइन देख के दवाइयाँ खरीद रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो कोई प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो रजिस्टर्ड फिजिशियन का नहीं होता है, तो फिर वहाँ रिस्क कवर नहीं होता है। जनरली ग्रोथ हार्मोन ही वो देते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है, जो डोज है, वो काफ़ी आइदर एक्सेसिव हो सकता है या अंडर डोज में हो सकता है। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन का जो ट्रीटमेंट देने का एक फिक्स क्राइटेरिया है, किन मरीजों में देना है, कब नहीं देना है। कई बार देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट तभी तक आता है जब तक कि बच्चे की जो हड्डी है फ्यूज नहीं हो। एक बार बच्चे की हड्डी फ्यूज हो जाती है तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन देंगे तो हाथ या पाँव एसिमेट्रिक रूप से बढ़ सकते हैं। वहाँ से हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इन सारे चीज़ों से बचना चाहिए। तो जब इलाज चलता है एक बच्चे का जो हाइट बढ़ने के लिए, तो कंटिन्यू इलाज चलाने की ज़रूरत है या फिर कुछ एक टाइम लिमिट होता है? इसमें जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, शॉर्ट स्टेचर का, छोटे हाइट का कॉज क्या है। अगर बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी है तो जनरली हम लोग थायराइड हार्मोन लाइफ लॉन्ग देते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग तब तक देते हैं जब तक कि बच्चा एक ऑप्टिमम हाइट नहीं पा जाए। अगर न्यूट्रिशनल है, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है, तो उसका हम लोग सप्लीमेंट करते हैं और कुछ दिन में उसको बंद कर देते हैं, एक बार बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ट्रीटमेंट या तो तब तक देते हैं जब तक कि बच्चा अपना फुल पोटेंशियल हाइट का नहीं अचीव कर ले, या जब तक कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ सकता है। इसके अलावा भी जैसे खान पान बच्चे खाते नहीं हैं ठीक से, तो खान पान में किस तरीके से एक माता पिता बदलाव कर सकते हैं या फिर किस तरीके से उन उस खान पान को लेकर माता पिता ध्यान दे सकते हैं? खान पान में हम लोग को देखना है कि जो बच्चों के ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़रूरी है, प्रोटीन है, कैल्शियम है और जो मिनरल्स हैं, जो छोटे छोटे विटामिन्स हैं, उसका जनरली हम लोग आइडिया नहीं रहता है। तो कई बार हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, लेकिन प्रोटीन, खासकर प्रोटीन का जितना सोर्स है मांसाहारी है, तो हमारे जो हम लोग का सोसाइटी है वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं कि हम लोग सपोर्ट कर पाएँ। तो अल्टरनेटिव हम लोग उसको दाल दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, और अगर अवेलेबल है तो प्रोटीन, अंडे देने से, प्रोटीन देने से बच्चों की ग्रोथ बढ़िया रहती है। कैल्शियम में जैसा कि दूध में कैल्शियम का सबसे अच्छा ये सोर्स है, तो कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो फिर उनके दूध की जगह पे वो माता पिता उन्हें क्या दे सकते हैं? अगर बच्चा दूध नहीं ले पा रहा है तो डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट हुआ, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारे भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा कैल्शियम के अदर सोर्सेस में किशमिश हो गया, रागी हो गया, आलमंड हो गया, ये सारे भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इवन जो केला होता है, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है।